लेक्चर नंबर 25 में आपका वेलकम। इस लेक्चर में का टॉपिक है टू फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर बाई द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स मेथड्स को हम इसमें पढ़ेंगे, जो कि डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर का कंप्लीट सॉल्यूशन इसमें बताया जाएगा। तो हम किस तरह से इस मेथड को अप्लाई करते हैं और इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो लेट डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, ये आपका इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो लेट दी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ फर्स्ट बी वाई इक्वल टू ए यू प्लस बी वी, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ फर्स्ट, इसका मतलब होता है कि ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड का जो सॉल्यूशन है डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू जीरो। अब सेकेंड ऑर्डर का है तो इसके दो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होंगे और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को एक को हम यू और एक को वी मान लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए इसको इक्वल टू जीरो दिखाना है, यू पर भी जीरो हो और वी पर भी जीरो हो, ठीक है। फिर हम वाई इक्वल टू ए यू प्लस बी वी, यू और वी हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से मिल जाएंगे, क्लियर। अब तो वेयर यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड ए बी आर कॉन्स्टेंट्स, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, मतलब हमें फाइंड आउट कर लिए इनको, ठीक है। तो u एंड v आर पार्ट्स ऑफ cf, पार्ट ऑफ cf हैं, तो इसका मतलब हुआ कि d2u टू यू ओवर डी एक्स टू प्लस पी डी यू ओवर डी एक्स प्लस क्यू यू इक्वल टू जीरो होगा। सिमिलरली v भी पार्ट ऑफ cf है, तो d2v टू वी ओवर डी एक्स टू प्लस पी डी वी ओवर डी एक्स प्लस क्यू वी इक्वल टू भी जीरो होगा, थर्ड एंड फोर्थ। अब हम मानते हैं कि लेट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट बी वाई इक्वल टू ए यू प्लस बी वी है कंप्लीट सॉल्यूशन। अब यहाँ तो हम जब सी एफ निकाला था तब तो हम ए और बी को कांस्टेंट सपोज कर रहे थे, अब यहाँ पर हम सपोज कर रहे हैं कि इस पूरे का, इस इक्वेशन का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो वाई इक्वल टू ए यू प्लस बी वी है, जहाँ पर वे आर ए एंड वी आर नॉट कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट नहीं है, क्या है बट सुइटेबल फंक्शन ऑफ एक्स, ए और बी हमारे फंक्शन ऑफ एक्स है, क्लियर। सो अब ये फाइव, जो फाइव को सेटिस्फाई करते हैं, तो डी वाई ओवर डी एक्स इसका क्या होगा कि ए, मतलब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इन दोनों में, तो ए फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस बी फर्स्ट फंक्शन डी वी ओवर डी एक्स प्लस सेकंड डी ओवर डी एक्स यू प्लस डी वी ओवर डी एक्स वी, मतलब इन दोनों स्टेप्स में हमने प्रोडक्ट रूल से इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो ये वैल्यू आ गई। अब ये हमने सिंप्लीफाई कर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ए डी यू ओवर डी एक्स प्लस बी डी वी ओवर डी एक्स प्लस ये एक मिल यू डी ओवर डी एक्स प्लस वी डी वी ओवर डी एक्स, दिस इज द सिक्स्थ। नाउ लेट अस चूज ए एंड बी सच दैट, अब ए और बी को हमने इस तरह से चूज किया कि ये पार्ट इक्वल टू जीरो, यू डी ओवर डी एक्स प्लस वी डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू जीरो, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेवन। नाउ सिक्स बिकम्स टू, सिक्स क्या हो जाएगा फिर, वो इक्वल टू जीरो कर देंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ए डी यू ओवर डी एक्स प्लस बी डी वी ओवर डी एक्स। अब इसी से इसको हम अगेन डिफ्रेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, फिर हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो पहले डी ओवर डी एक्स इसका, तो इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा और इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो डी ओवर डी एक्स
du ओवर dx प्लस a d2u ओवर dx2 प्लस db ओवर dx db ओवर dx प्लस b d2b ओवर dx2। दिस इज द नाइंथ। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y dy dx और d2y ओवर dx2, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ y dy ओवर dx d2y ओवर dx2 फ्रॉम फिफ्थ एट्थ और नाइन्थ, इनसे इन फर्स्ट, फर्स्ट में हम ये वैल्यू पुट करें तो वी गेट तो डी ओवर डी एक्स डी यू ओवर डी एक्स प्लस ए डी टू यू ओवर डी एक्स टू प्लस डी वी ओवर डी एक्स डी यू ओवर डी एक्स प्लस बी डी टू बी ओवर डी एक्स टू प्लस पी ए डी यू ओवर डी एक्स प्लस बी डी वी ओवर डी एक्स, मतलब डी वाई डी एक्स की जगह ये और डी टू वाई ओवर डी एक्स टू की जगह ये प्लस क्यू वाई इक्वल टू ए यू प्लस बी वी इक्वल टू आर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो डी ए ओवर डी एक्स डी यू ओवर डी एक्स प्लस डी बी ओवर डी एक्स डी बी ओवर डी एक्स, ये हमने एज इट इज रखा, ये एज इट इज रखा। अब ए इसमें कॉमन है ए तो डी टू ओवर डी एक्स टू और ए कहाँ पर है पी डी यू ओवर डी एक्स प्लस क्यू यू एक में प्लस बी बी कॉमन लिया और b डी टू बी ओवर डी एक्स टू प्लस पी डी बी ओवर डी एक्स प्लस क्यू वी इक्वल टू आर। अब ये टर्म आपका जीरो है, ये इक्वल टू जीरो है क्योंकि u और v पार्ट ऑफ सी एफ हैं, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये हम यूजिंग थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ में हम ये बता चुके हैं। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया डी ओवर डी एक्स डी ओवर डी एक्स प्लस डी बी ओवर डी एक्स इंटू डी बी ओवर डी एक्स इक्वल टू आर। सेवंथ एंड टेंथ, सेवंथ एंड टेंथ वी गेट, मतलब ये दसवीं इक्वेशन से और इससे, सेवंथ है आपका डी ओवर डी एक्स यू प्लस डी बी ओवर डी एक्स वी इक्वल टू जीरो है और ये टेंथ है आपका। इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो डी ओवर डी एक्स डी बी ओवर डी एक्स इक्वल टू वन। अब डी ओवर डी एक्स निकालना है तो हमें ये डी बी ये आर माइनस आर बी आएगा नीचे, इसको करेंगे डी बी ओवर डी एक्स को आर यू और इक्वल टू वन अपॉन यू डी बी ओवर डी एक्स माइनस डी यू ओवर डी एक्स वी। इनसे हमने वैल्यू फाइंड आउट की, डी ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई ये और इसको इक्वल टू फाइव एक्स सपोज किया, डी बी ओवर डी एक्स आर यू आर यू और ये वैल्यू डी ओवर डी एक्स माइनस आर वी ये वैल्यू, इसको फाइव एक्स मान लिया और इसको साई एक्स मान लिया। अब ए और बी फाइंड आउट करने के लिए इनको हम इंटीग्रेट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इंटीग्रेटिंग इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ वी गेट ए इक्वल टू इंटीग्रेशन फाइव एक्स डी एक्स प्लस सी वन और बी इक्वल टू इंटीग्रेशन साई एक्स डी एक्स प्लस सी टू। तो इसमें हमें ए और बी की वैल्यू मिल गई और ए और बी की वैल्यू को हम फिफ्थ में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ए एंड बी इन फिफ्थ वी गेट द कंप्लीट सॉल्यूशन, फिर हमें कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा। इन ए इलेवेंथ और ट्वेल्थ में डी ओवर डी एक्स को इंटीग्रेट करने पर और डी बी ओवर डी एक्स को इंटीग्रेट करने पर ये वैल्यू आ जाएंगी, इनको हम पुट कर देंगे वाई इक्वल टू ए यू प्लस बी वी में, तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा। अब इसी में हम एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी हमें पार्ट ऑफ सी एफ निकालना है तो इस पार्ट का सॉल्यूशन निकालते हैं। सेकंड ऑर्डर है तो दो पार्ट ऑफ सी एफ होंगे, थर्ड ऑर्डर का होगा तो थ्री पार्ट ऑफ सी एफ होंगे, तो हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो गिवन दैट डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू सेक ए एक्स, अब इसका सी एफ निकालना है हमें, तो ये इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशियंट में ये यहाँ पर, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इज एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर और एम इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा ए, रूट कौन इसके रूट इमेजिनरी है, इमेजिनरी है, अल्फा इक्वल टू जीरो बीटा इक्वल टू ए है,
तो सी एफ होगा इसका इक्वल टू सी वन कॉस ए एक्स प्लस सी टू साइन ए एक्स। तो इसके दो पार्ट ऑफ सी एफ आ गए, एक तो हो गया ये और एक हो गया ये। तो इसको मान लें हम u और इसको मान लें v। तो लेट u इक्वल टू कॉस ए एक्स, वी इक्वल टू साइन ए एक्स आर टू पार्ट ऑफ सी एफ, मतलब फर्स्ट इक्वेशन के दो पार्ट ऑफ सी एफ हैं। तब हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड में क्या होता है, लेट दी कंप्लीट सॉल्यूशन बी y इक्वल टू a कॉस ए एक्स ए यू, माना था हमने तो u की जगह cos ए एक्स, यहां पर b v v sin ax, वेयर a एंड b आर सुइटेबल फंक्शन ऑफ x, a और b कॉन्स्टेंट नहीं है, फंक्शन ऑफ x है। तो टू डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ a एंड b वी हैव, तो हमने ये जो a इंटीग्रेट करके निकाला था ये वाला a, तो इंटीग्रेशन फाइव एक्स, फाइव एक्स की वैल्यू ये होती है, ये फाइव एक्स क्या है आपका माइनस आर वी, आर हमको मालूम है और वी हमें मालूम है, यू और डी वी ओवर डी एक्स, वी वन से हमने रिप्रेजेंट कर दिया यहां, और यू डी ओवर डी एक्स वी, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हियर आर इक्वल टू क्या, सेक ए एक्स, आर इक्वल टू सेक ए एक्स, तो माइनस आर की वैल्यू सेक ए एक्स इंटू वी है आपका साइन ए एक्स अपॉन u है आपका cos ax इंटू डी वी ओवर डी एक्स, ए कॉस ए एक्स माइनस यू, यू है आपका cos ax और उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस ए साइन ए एक्स इंटू साइन ए एक्स डी एक्स प्लस सी वन। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, सो दिस इंप्लाइज एज माइनस इंटीग्रेशन टेन ए एक्स अपॉन ए डी एक्स प्लस सी वन। अब टेन ए एक्स का होता है लॉग कॉस ए एक्स अपॉन ए और ए इंटू ए ए स्क्वायर, तो वन अपॉन ए स्क्वायर लॉग कॉस ए एक्स प्लस सी वन, ये आपकी वैल्यू आ गई ए की। बी इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन आर यू अपॉन यू डी वी ओवर डी एक्स माइनस डी यू ओवर डी एक्स वी डी एक्स प्लस सी टू, तो आर है आपका sec ax इंटू यू cos ax अपॉन यू cos ax इंटू ए cos ax माइनस माइनस ए साइन ए एक्स साइन ए एक्स डी एक्स ये प्लस सी टू। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो वन अपॉन ए इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस सी टू एक्स अपॉन ए प्लस सी टू, ये इसका बी की वैल्यू आ गई। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है हमारा, हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज वाई इक्वल टू ए कॉस ए एक्स प्लस बी साइन ए एक्स। तो ए है आपका लॉग कॉस ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी वन कॉस ए एक्स प्लस बी क्या है एक्स अपॉन ए प्लस सी टू साइन ए एक्स। तो ये प्रोसीजर आपका मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से हमने इसको सॉल्व कर दिया। नाउ एग्जाम्पल नंबर टू, सॉल्व बाई मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स डी टू वाई ओवर डी एक्स टू माइनस टू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स। हियर गिविन दैट डी टू वाई ओवर डी एक्स टू माइनस टू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये इक्वेशन में हम सी एफ निकालना है तो इस पार्ट का सॉल्यूशन मतलब दिस पार्ट इक्वल टू जीरो और ये कांस्टेंट कोफिशियंट्स में इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर का, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी एम स्क्वायर माइनस टू एम इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज एम इंटू एम माइनस टू इक्वल टू जीरो और एम इक्वल टू जीरो और टू इसके दो रूट्स हुए और दोनों रूट्स कैसे हैं, रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। तो सी एफ हुआ सी वन ई टू द पावर जीरो एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर टू एक्स, तो ई टू द पावर जीरो एक्स वन और ये हो गया ई टू द पावर टू एक्स। तो यू इक्वल टू हमने वन इसका पार्ट ऑफ सी एफ और वी इक्वल टू ई टू द पावर टू एक्स और आर यहां पर है आपका ई टू द पावर एक्स साइन एक्स साइन एक्स।
अब हम क्या करते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में, कि लेट y इक्वल टू ए यू, यू है आपका वन, तो ए यू प्लस बी वी, वी की जगह पर e टू द पावर 2x, बी कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, वेयर a एंड b आर सुइटेबल फंक्शंस ऑफ x, x के सुइटेबल फंक्शंस हैं। तो वही a और b को फाइंड आउट करने के लिए हमें डिटरमाइंड by a इक्वल टू ए और बी डिटरमाइंड बाई माइनस आर वी अपॉन यू वी वन माइनस यू वन वी डी एक्स प्लस सी वन। वी वन और यू वन का मतलब है डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स उसका। तो ये है आर है आपका ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, वी है आपका ई टू द पावर टू एक्स अपॉन, अब इसकी यू वी वन ई टू द पावर टू एक्स का होगा टू ई टू द पावर टू एक्स और माइनस यू वन, यू वन जीरो, तो ये टर्म जीरो हो गया, डी एक्स प्लस सी वन। तो माइनस वन अपॉन टू ई टू द पावर टू एक्स से ई टू द पावर टू एक्स कैंसिल, तो ई टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस सी वन। अब माइनस वन बाई टू, अब इसमें ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो ये होता है ई टू द पावर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर साइन बी एक्स माइनस कॉस बी एक्स, तो ये वन है तो साइन एक्स कॉस एक्स प्लस सी वन, तो ये हो गया माइनस ई टू द पावर एक्स टू इंटू टू फोर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी वन, ये ए की वैल्यू आ गई आपकी। नाउ बी इक्वल टू इंटीग्रेशन आर यू अपॉन यू वी वन माइनस यू वन वी डी एक्स प्लस सी टू, सो दिस बिकम्स टू आर इक्वल टू द पावर एक्स साइन एक्स इंटू वन डी ए प्लस सी टू, और नीचे यू वी वन वही वन इंटू टू इंटू ई टू द पावर टू एक्स, यू की वैल्यू वन ई टू द पावर डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू टू इंटू ई टू द पावर टू एक्स, और ये जीरो हो जाएगी यू वन वी, तो वन अपॉन टू, अब ये ई टू द पावर टू एक्स ऊपर ले जाएंगे तो माइनस टू एक्स हो जाएगा, तो एक्स एक कम हो जाएगा, तो ई टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस सी टू, वन अपॉन टू ई टू द पावर माइनस एक्स वन प्लस वन माइनस साइन एक्स, वही फॉर्मूला लगेगा इसमें, ए की जगह माइनस वन और बी की जगह वन, तो माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी टू इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन फोर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी टू। दस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज, इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो क्या है, वाई इक्वल टू ए प्लस बी ई टू द पावर टू एक्स, यू की वैल्यू वन है वी की वैल्यू ई टू द पावर टू एक्स है, तो ए की वैल्यू माइनस ई टू द पावर एक्स अपॉन फोर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी वन प्लस माइनस e टू द पावर माइनस एक्स बाई फोर ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर टू एक्स। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया माइनस ई टू द पावर एक्स फोर साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स फोर कॉस एक्स प्लस सी वन माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई फोर साइन एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स बाई फोर कॉस एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर टू एक्स। तो ये अब इसमें ई टू द पावर एक्स बाई फोर कॉस एक्स ये इससे कैंसिल और ये हो गए ई टू द पावर एक्स अपॉन फोर साइन एक्स, तो ये हो जाएगा ई टू माइनस ई टू द पावर एक्स बाई टू और सी वन हमारा ये और ये और ये ऐड हो जाएंगे तो ई टू द पावर एक्स बाई टू साइन एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर टू एक्स, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। अब इसमें दो क्वेश्चन हम सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस सॉल्व बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स।
तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल टू टेन एक्स, और डी टू वाई, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डी टू वाई ओवर डी एक्स टू माइनस थ्री डी वाई ओवर डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स वन प्लस ई टू द पावर एक्स। तो ये लेक्चर का यहीं एंड होता है। इसमें इसको मैं एक बार समराइज और किए दे रहा हूँ कि इसमें वन पार्ट ऑफ सी एफ निकालते हैं दो, यू और वी, और यू और वी मान करके वाई इक्वल टू ए यू प्लस बी वी कंप्लीट सॉल्यूशन, फिर उसके ए और बी दोनों की वैल्यू निकालते हैं जो फॉर्मूले हैं, और उन फॉर्मूलों से ए और बी की वैल्यू उसमें पुट कर देते हैं जो वाई इक्वल टू ए यू प्लस बी वी में। तो ए और बी की वैल्यू पुट करने के बाद आपका सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट हो जाता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।